सीएम हेमंत सोरेन अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं और उस बयान को लेकर खूब सियासी हलकों में चर्चा हो रही है। विपक्ष उस पर सवाल भी खड़े कर रहा है, चर्चा करेंगे उसी पर, लेकिन पहले सुनाते हैं कि बयान क्या है। सही जगहों पर उनका अनुपस्थिति, आज कितना आदिवासी समाज का लोग बीडीओ सीओ कलेक्टर आईएएस आईपीएस जज पत्रकार है, कोई नहीं है तो हमारी सुनता भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए हर रास्ते हम लोगों ने खोल दिए। पढ़ने लिखने वाले के लिए भी दुनिया भर की वैकेंसीज चल, सही जगहों पर उनका अनुपस्थिति, आज कितना आदिवासी समाज का लोग बीडीओ सीओ कलेक्टर आईएएस आईपीएस जज पत्रकार है, कोई नहीं है तो हमारी सुनता भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए हर रास्ते हम लोगों ने खोल दिए। पढ़ने लिखने वाले के लिए भी दुनिया भर की वैकेंसीज चल, सही जगहों पर उनका अनुपस्थिति, आज कितना आदिवासी। तो सीएम हेमंत सोरेन ये कहते आ रहे हैं कि कितने अधिकारी, कितने पत्रकार, कितने कलेक्टर, कितने सीओ बीडीओ आदिवासी हैं, नहीं है, बहुत नाम मात्र के हैं, इसीलिए उनकी नहीं सुनी जाती। अब सवाल ये खड़ा होता है, विपक्ष भी इसी पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर एक सूबे के सीएम ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, और अगर वो आदिवासी होंगे तभी सुनेंगे। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जाहिर सी बात है विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, अगर सीएम इस तरह की बातें कह रहे हैं तो विपक्ष तो इस पर सवाल खड़े करेगा ही। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के बयान को आज विपक्ष ने हाथों से लिया और ये कहा कि मुख्यमंत्री दो तरह की बातें करते हैं। एक तो सबसे पहले उनकी लाचारगी नज़र आती है कि जिस राज्य का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ उनके अधिकारी सुनते नहीं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आदिवासी समाज की वो बात करते हैं, जबकि जो कानून है ऐसे में जिस जो परीक्षा पास करके अपना परिणाम पाते हैं वही नौकरी में आते हैं, तो ऐसे में फिर ये कहना एक तरह से सही है कि वो अपने समाज के प्रति और आदिवासियों को जागरूक करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये लाचारगी अगर वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बातों को अधिकारी नहीं सुनते, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो ये योजना चल रही है सरकार आपकी द्वार, उसके तहत जो लाखों लाख करोड़ों जो आवेदन आए और उसका निष्पादन हुआ, हम अधिकारियों को बी डी ओ को सी ओ को डी सी को गाँव तक भेजे, ट्रैक्टर से भेजे, मोटरसाइकिल से भेजे, बैलगाड़ी से भेजे, और उन्हीं की उपलब्धियों को वो गिना रहे हैं कि अगर वो अधिकारी उस गांव तक नहीं पहुंचते तो उनकी जो योजना है वो सफल नहीं हो पाते। तो ऐसे में ये दो तरह की बातें जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इस पर विपक्ष ने निशाना साधा है और कहा कि ये सिर्फ जातीयता और वोट बैंक की राजनीति के लिए मुख्यमंत्री कुछ से कुछ बोलते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री के बयान को लेकर के सियासत जारी हो गया है, मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश जो है विपक्ष ने की है। बिल्कुल मदन, और आने वाले दिनों में यह मसला और तूल पकड़ेगा, क्योंकि सीएम तो साफ ये कह रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आदिवासी समाज के अधिकारी चाहिए जो उनकी सुनेंगे। बिल्कुल, देखिए यही बात जो है विपक्ष ने कहा कि आखिर सिर्फ जाति विशेष के अधिकारी होने से ही सिर्फ बात सुनी जाए तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा, क्योंकि अधिकारी किसी जात के नहीं होते, अधिकारी किसी धर्म के नहीं होते, वो अपने कर्तव्य को लेकर के काम करते हैं, शपथ लेते हैं और उसके बाद वो काम करते हैं। तो ऐसे में अगर वो जात को देख करके काम करेंगे तो फिर राज्य का भला कैसे हो सकता है, किसी भी समाज में हर जाति धर्म के लोग होते हैं, अधिकारी सब के लिए होते हैं, तो ऐसे में अगर वो किसी खास वर्ग के लिए ही काम करे तो फिर दूसरे का अपेक्षा होगा, और एक मुख्यमंत्री जो कि खुद शपथ लेता है सबके साथ सबका विकास का, ऐसे में वो किसी जाति धर्म के लोगों की ही बात सिर्फ कैसे कर सकता है। मदन, लौटते हैं आपके पास, सीएम के एक और बयान की चर्चा करेंगे। सीएम जब अपनी बातें रख रहे थे कार्यक्रम के दौरान, भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने महिलाओं को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसे लेकर तमाम महिलाओं ने आपत्ति जताई है। बीजेपी की तरफ से तो इस पर सवाल खड़े किए गए हैं, ये कहा गया है कि सबसे पहले आप अपनी पत्नी से माफ़ी मांगिए, और कहीं ना कहीं महिलाओं के अपमान से जोड़कर इस बयान को देखा जा रहा है। हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मदन के पास। मदन, जिस तरह से महिलाओं को लेकर सीएम की टिप्पणी आई है उसे लेकर भी काफ़ी विरोध दर्ज कराया जा रहा है।
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब कल लोहरदगा में कार्यक्रम में शामिल हुए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, उस दौरान संबोधन के बीच में ही वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे और बातों बातों में वो एक बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो केंद्र की सरकार है वो सिर्फ पुराने चीज़ों को रंग रोगन करके, यानी कि जो बुलेट ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस की जो बात की जा रही है ये कुछ नया नहीं है, बस पुराने ट्रेन के रंग रोगन करके जो है नाम सिर्फ बदला गया है। ऐसे ही जैसे कि महिलाएं अगर ब्यूटी पार्लर जाती हैं तो पहले जैसी रहती है, उससे काफ़ी सुंदर बनकर आती हैं, तो सिर्फ ये बातें मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन इस बात इसके जो है मायने निकाले गए और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जुबान जो है वो फिसल गई। लेकिन बीजेपी अभी से जो है तुल पकड़ाती है और कहती है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ झारखंड की महिलाओं से नहीं बल्कि देश के महिलाओं से और उनकी अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पूरे समाज की बात की है, महिलाओं के अपमान की बात है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि ब्यूटी पार्लर की रोजगार से जुड़ी हुई हैं, ऐसे में उनके रोजगार पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि महिलाओं के प्रति जो उनका सोच है वो जो सामने आया है उसमें वो ये माफ़ी मांगकर ये कहे कि नहीं, हम जो है हम ये गलत बयान दिए हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपको दिखाते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने किस तरह से क्या कुछ कहा है जिस पर बवाल हो रहा है और महिलाएं आपत्ति जता रही हैं, और बीजेपी ने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की बात कही है और माफ़ी नहीं मांगने की सूरत में बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएँ सड़कों पर उतरेंगी और विरोध दर्ज कराएंगे। दिखाते हैं रिपोर्ट। सियासत में मुद्दों की तुलना इन दिनों महिलाओं से ज़्यादा होने लगी है, सौंदर्य पर सियासत होने लगती है। सीएम हेमंत सोरेन भी इससे अछूते नहीं रहे। आरोप केंद्र सरकार पर लगाते लगाते सीएम हेमंत सोरेन का सौंदर्य के प्रति प्रेम जाग उठा। सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम था, विपक्षियों पर हमला करते करते सीएम हेमंत सोरेन बात ब्यूटी पार्लर पर करने लगे। सवाल केंद्र सरकार की हाई स्पीड ट्रेन पर कर रहे थे और हाई स्पीड ट्रेन की तुलना करते करते ब्यूटी पार्लर से महिलाओं की मेकअप की बात करने लगे। अब बुलेट ट्रेन चल रहा है, अब बुलेट ट्रेन में कितना आदमी चढ़ेगा? वो आए दिन आदमी तो चढ़ता नहीं लेकिन गाय बैल के ऊपर जरूर चढ़ जाता है। ये हालत है। एक ट्रेन पहले 17 बोगी 18 बोगी का होता था, 7 बोगी का बुलेट ट्रेन आजकल आपको एक नया नया ये दिखेगा। पुराना ट्रेन कोई रंग रूंग करके जो औरत लोग महिला लोग ब्यूटी पार्लर में जा करके पूरा रंगाई पोताई करके आता है ना, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भी रंगाई पोताई करके भेज दिया। अब सीएम जब ब्यूटी पार्लर सजने संवरने की बातें करने लगे, वो भी सरकारी कार्यक्रम में, तो विपक्षी के लिए ये सियासी मुद्दा मानो सच संवर कर आया, जिससे जिस हाई स्पीड ट्रेन पर सीएम सवाल उठा रहे थे उस पर जवाब देने की बजाय बीजेपी महिलाओं को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के सजने सवरने के बयान पर सियासत करने लगी। सियासत के केंद्र में महिलाओं के आत्मसम्मान की बातें होने लगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को लेकर बेहद शर्मसार करने वाला बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने महिलाओं की तुलना ट्रेनों से कर दी।